नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। इस बीच आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जैसे कि सर डर बहुत लग रहा है, पीटी पास में है, आपको पता है 18 जून को पेपर है आपका, और इस समय हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारी या तो परफॉर्मेंस कुछ लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और या कुछ लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है उन कैटेगरी में रहें जिसमें आप जो है वो निखर कर सामने आए, इस प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन करें और इसमें से अपनी प्रतिभा का लोहा संसार को मनवाएं। आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे आपका एक जो है वो दिनचर्या मेंटेन होनी चाहिए। आप हैफ हजार्डली इस समय मत रहिए। जैसे अभी आपकी एक आदत है, मैंने बहुत से बच्चों ने मेरे से कहा कि सर जैसे हम लोग जो है वो पूरी रात रात भर पढ़ते हैं और सुबह जो है उठ जाते हैं या देर तक सोते हैं। ठीक है, आपकी अपनी स्टाइल है पढ़ने की, लेकिन धीरे धीरे अपनी बॉडी साइकिल को चेंज करिए। होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा, और शायद आप में से कोई सीनियर्स अगर होंगे तो वो इस चीज़ को जानते भी होंगे कि जैसे सडनली आप एग्ज़ाम टाइम में अपनी आदत को चेंज करने जाओगे, आप रात भर सो नहीं पाओगे। आप रात भर कोई आदत पड़ चुकी है एग्ज़ाम से पहले, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि आप अगले दिन जो है रात भर जगोगे और सुबह एग्ज़ाम देने पहुँचोगे। हेक्टिक दो शेड्यूल पेपर होते, इतनी गर्मी में बीच का गैप, तो आपकी जो एफिशिएंसी है दिमाग की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको ये लगेगा मैंने खूब मेहनत से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो लेकिन जब आपका दिमाग ही उस समय काम नहीं कर रहा होगा तो आपके लिए कोई भी संभावना नहीं बची होगी, राइट। तो कोशिश करिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो अपने टाइम टेबल को मेंटेन करके चलिए, अपनी बॉडी साइकिल को मेंटेन करके चलिए। आप हो सकता है मेरे से डिसएग्री करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आज नहीं तो कुछ दिन बाद ये बात समझ में आए कि बॉडी साइकिल का क्या महत्व होता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अपना जो है एक टाइम आधा घंटा ही सही प्राणायाम और ध्यान पे लगाइए। क्यों, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दिमाग में इस समय पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, पापा मना ना कर दें, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपको करना क्या है, आपको उनसे बाहर आना है। आप जब मेडिटेशन में होते हो आप या योग निद्रा में होते हो, जो मैंने वीडियो डाली है योग निद्रा की यूट्यूब पे, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि वो चीज़ें कैसे काम कर रही। बस सिंपली जो है वो इस विषय पे आप बात करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, अपने आप को पॉजिटिव जो है वो मूवमेंट कराइए कि नहीं मेरे से हो पाएगा और डेफिनेटली मैं इसमें करके रहूँगा। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। होता क्या, इस समय प्रेशर बढ़ेगा, सिर्फ चाय पी के या दिन भर जो है कुछ भी खा पी के हम सिर्फ पढ़ाई 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 में लगे। ठीक है, ज़रूरी है, वक्त की मांग है, हमें 10 से 12 घंटे पढ़ने ही होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपका जो दिमाग है इस समय उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मैंने जो वीडियो बनाकर डाला था कि हमारा जो फूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली उस सिलसिले में अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन फूड्स का आप इस्तेमाल करिए, अपने न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करिए, गर्मी बहुत है पानी पीजिए, आपके दिमाग को जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब आपकी आदत नहीं हो रहा, सडनली आप प्रेशर में पढ़ाई करना शुरू करो तो लंबे समय तक आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, थकान हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है और आप जो है वो आपका मन कर रहा है नहीं हम आराम कर लें या सो जाएं। तो इसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाली है कि लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स। आप 8-9 घंटे बिना थके पढ़ सकते हैं, बस उसमें अपने आप को जो है वो प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। वो एक ब्रेक लेने का वैज्ञानिक मेथड है जो मैंने बता रखा है। मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। आप IAS विद ओजांग सर जब आप सर्च करोगे इसी चैनल पे, आप नीचे कैटलॉग में जाओगे तो आप जो है वो डिफरेंट आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, इस समय आप रेगुलर जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाइए, मैंडेटरी पार्ट है आपका। पर डे 50 क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वाइज हैपाजार्डली नहीं कि सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप करें, उनको आप ज़रूर लगाइए। और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अपनी डायरी में लिखते जाइए। अब उन कॉन्सेप्ट को नेट से या किसी टॉपिक को जैसे भी आपको पढ़ना है, किसी सीनियर से टीचर से बात करके अब आप उनको पढ़िए, राइट। अपना टाइम बचाइए। आप अगर आप इस समय कोई नई बुक पढ़ते हैं, नए टॉपिक्स पढ़ते हैं और आपको लगता है कि बहुत, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ मामला जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2 से 2.5 घंटा रिवीजन के लिए निकालिए, कंपलसरी है ये, इसमें कोई बट नहीं काम करेगा, आपको वो जो है रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब रिवीजन करना कैसे है, राइट, आप कोशिश करिए उनके शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, और ये पर डे होना चाहिए, क्योंकि इस समय हम जो है टारगेट, आप लोगों ने काम किया होगा इसमें, मुझे पता है
हिस्ट्री पढ़ लें, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लें, ज्योग्राफी इतने दिन में ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके आप आगे 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 ख़त्म करने के चक्कर में, लेकिन आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे। जबकि आपका दिमाग जो है वो किसी भी पढ़ी हुई चीज़ का 40 से 50% जो है वो तुरंत भूलना शुरू कर देता है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जो है आप इसको मेंटेन करके रखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइव चैटिंग कैसे लगी, मैं आगे आने वाले टाइम में आपको और जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।